ये मेरी मम्मी है साथ में और मेरी सिस्टर है रंगोली और ये मैं हूँ। मैं आई थिंक यहाँ पे कुछ 10-11 साल की होगी और मेरी जो बहन है वो 8-9 स्टैंडर्ड में पढ़ती होगी। और ये मेरे दादी जी का रूम है, ये पीछे इस अलमीरा में एक मंदिर था, उनके अंदर अलमारी के अंदर मंदिर था। और फिर हमारे घर में क्या होता था कि हमारे एक अंकल ही थे मार्केट में शर्मा स्टूडियो फोटोग्राफी वाले, वो कभी भी कहीं भी आ जाते थे, किसी भी दिन आ सकते थे वो कैमरा लेके। और सडनली पापा आते थे, बोलते थे चलो फोटो खिंचाओ। मतलब एक होता था कि कोई मतलब मुजरिम नहीं, होमवर्क है, चलो फोटो खिंचाओ। तो फिर हमको लगता था कि हाँ चलो ठीक है, जहाँ भी उसका क्लिक क्लिक ऐसे फोटो खींचा जाता था। तो मतलब हम लोग, आई थिंक मेरी सिस्टर स्कूल जा रही है और हम लोग भी स्कूल के लिए तैयार हुए हैं। दिस वुड बी अप्रोक्सीमेटली कौन सा साल, लाइक कितने साल की हैं इसमें? आई थिंक इट मस्ट बी 99 और समथिंग। ओह वाओ, ये कितनी पुरानी, पहले बताओ। ये बहुत पुरानी तस्वीर है, दिस इज वी वर इन द 8th और 9th स्टैंडर्ड। ये मैं हूँ, मेरे डैड, मॉम एंड माय ब्रदर एलन। तो मॉम शी इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, शी यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल फॉर इंडिया। और मेरे डैड एक आर्किटेक्ट है और अभी मेरे मॉम बास्केटबॉल जैसे बन गई है। सो आई कीप टेलिंग, आई से यू हैव टू लूज इट, यू हैव टू लूज इट, शी सेज या डोंट टेल मी व्हाट टू डू, आई एम योर मदर। और भाई आर्किटेक्ट है। सो दिस इज अ लवली फोटोग्राफ हमारे घर में। सो ये होल्डिंग और ये क्या है इसके बीच? ये मेरे प्रवीण दादा है, ये यादव जी हैं और ये डॉरिस हैं। और ये मेरा टीम हुआ करता था 90s में। यादव जी अभी तक मेरे साथ हैं एंड इनफैक्ट हाल ही में मैंने इंस्टा पे भी डाला था कि ही इज़ बीन विथ मी फ्रॉम माय फर्स्ट फिल्म एंड अब मैं उनको करीब 15 साल से राखी बांधती हूँ। प्रवीण दादा अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट हिम 2 years ago, 25 साल मेरे साथ कर चुके हैं मेकअप। डॉरिस अभी भी हैं मम्मी के घर पर। सो ये ऐसे ही एक फ़न फोटोग्राफ हो रहा था जहाँ मैं उन लोग को धमकियाँ दे रही थी और मस्ती कर रहे थे हम लोग बेसिकली। दे ऑलवेज विद अस, सो दिस इज माई फैमिली। ये 3 बत्ती का घर मेरी मम्मी और डैडी है और ये खोली में हम लोग रहते थे। और मुझे काम मिल गया था और पैसे आ गए थे तो ये फ़ोटो निकाला गया था, पहला एड मिल गया था मेरे को, तो ये मैं मॉडल बन गया हूँ का टाइम है। और दोनों की ब्लेसिंग्स हैं, हाथ दोनों मेरे ऊपर है। मेरे कॉलेज की फ़ोटो है डीवाई पाटिल की। और क्योंकि मैं उस टाइम मैं क्या कर रहा था, तब मैं एक्चुअली मैं फिल्म्स में तब स्ट्रगल कर रहा था इनफैक्ट, और मैं ट्राई कर रहा था कि फिल्म्स मिले मेरे को। बट और मैंने कॉलेज छोड़ दिया था इनफैक्ट, क्योंकि मेरी पहली फिल्म आ चुकी थी प्यार का पंचनामा। तो मेरे जो दोस्त थे उसमें से कुछ सीनियर्स भी हैं, उनका कॉन्वोकेशन था और इनको डिग्री मिल रही थी और मेरे पास डिग्री नहीं थी, तो मैं उनके कॉन्वोकेशन के लिए आ गया था। इनके साथ मेरा एक ग्रुप भी है, अच्छा इसमें लड़कियां भी हैं ये, लेकिन मेरा एक लड़कों का ग्रुप है एक्चुअली जो इन सब का, जिसमें उनका नाम है CBZ कूल बॉयज। तो आप अपने फ्रेंड से कैच अप करते हैं अभी भी, द सुपरस्टार कार्तिक बनने के बाद भी द फ्रेंड? अरे वो लोग सुपरस्टार हैं, मैं मेरे तो वो बहुत हर बात पे मारते रहते हैं, मैं कुछ भी करता हूँ कुछ भी बोलता हूँ उसका मजाक उड़ाते हैं। इनफैक्ट CBZ में हमेशा व्हाट्सएप DP मेरी कोई ना कोई फिल्म की कोई ना कोई खराब फोटो होती है तो वो मस्ती वगैरह चलती रहती है।